अस्सलाम वालेकुम मैं अजीम अजीम सर्विसेज से ऑब्वियसली uh, और आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट uh, मेरे तक रीच कर रहे थे ऑब्वियसली और पूछ रहे थे कि यू हैव टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश टेस्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है याद देखिए जब भी आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मूव करते हो हायर एजुकेशन के लिए वेदर वेदरविट्स यूके ऑस्ट्रेलिया कैनेडा और यूएसए or any part of the world uh, jahan official language english language hai, you really have to show the english proficiency once you are from south uh, asia or pakistan is a mainstream country of the south asia uh, with uh, 250 million people a biggest industry international industry for the people or ek bahut zyada jam pakistani market rakhti hai. australia ke liye, canada ke liye, और बहुत ज्यादा ऐसी कंट्रीज जैसे अभी यूरोप भी है और यूके भी है और आयरलैंड भी है सारी कंट्रीज को पता है कि यहां पे सेवन मिलियन के करीब स्टूडेंट है एंड वी हैव टू कैप्चर दैट स्टूडेंट मार्केट फ्रॉम पाकिस्तान इसीलिए जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं वो इंग्लिश प्रोफेशमेंट में पीछे नहीं रहती हैं और जब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अप्लाई करते हैं तो आपको इंग्लिश शो करना होता है अब याद रखिएगा कि इंग्लिश शो करने के लिए बहुत गौर से आपने इस वीडियो को सुनना है आई मीन I mean, भूटान the, the, so in में भी, भी श्रीलंका में, में, में भी जितने हमारे ऑफिस हैं हमारे ऑस्ट्रे पैनल से वो सारे के सारे ऑफिस में हम इसको एडवरटाइज भी करते हैं और लोगों को बताते भी हैं अब आयस जो है दैट इज गोड द मेनोपलि Uh, मैं, obviously, ये कहने में uh, आर फील नहीं करता हूं कि इसकी मोनोपली इसलिए है ग्रेड टेन I mean, well में लिख रहा होता है जब वो ग्रेड ट्वेल्व में लिख रहा होता है जब वो ग्रेड बैचलर्स में लिख रहा होता है मास्टर प्रोग्राम में लिख रहा होता है तो हमारे सारे का सारा सिस्टम पाकिस्तान का पेन एंड पेपर सिस्टम है तो इसलिए स्टूडेंट जो है जैसे आप देख लीजिएगा पीटीई पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश जैसे टाफल है यू नो अमेरिकन बेस्ड टेस्ट है वो बी सी बी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो पीटीई है दैट इज ऑल्सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसी तरह से आप चॉइक का बात कर लें इसी तरह से आप जितने भी और टेस्ट बात करते हैं दुनिया जो है वो थोड़ी सुकड़ रही है वो आईटी की तरफ आ रही है टेस्टिंग पैनल को लेकर के लेकिन जो आयल्स हैं उन्होंने भी अभी आयल्स यू नो ऑनलाइन टेस्ट के नाम से शुरू किया है और ऑनलाइन भी ये आयल्स का टेस्ट लेते हैं लेकिन पाकिस्तानी मार्केट जो है वो पेन एंड पेपर टेस्ट की इसलिए बहुत ज्यादा सपोर्ट में निकलती है कि ये पेन एंड पेपर ही करते आ रहे होते हैं तो याद रखिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जब आपने मूव करना है आपको बताने जा रहा हूं कि नॉर्मली वो कौन से टेस्ट हैं जो पूरी दुनिया की कंट्रीज जो है वो आपसे लेते हैं इफ यू डोट है भी हो गया, अब के नाम से भी टेस्ट आया हुआ है or Duolingo can answer the test, I aware, uh, during COVID-19 pandemic, you know, the people were having a great difficulty uh, in moving to the centers for the test, you know, in the lockdown situation. So what, what actually the countries decided, I mean, they decided to have uh, uh, the Duolingo test, that is an online test worth $50. And they used to check you, uh, they used to check in you, you know, on, 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 on their online test. And if you get 116, uh, sorry, one one zero uh, score in the Duolingo, you are capable for the Canadian universities and Australian universities. Or which universities one zero five, beleletiye, one zero four, Different universities ka apna requirement hota So IELTS, IELTS indicator.

otherwise they consider that you're moving their countries but you don't know how to communicate in english so once they consider that you don't know how to communicate in english they refuse your visa and this is the most important requirement of uh, on the both sides

बहुत ज्यादा कंसल्टेंसी टर्म से वाकिफ हो जाएंगे एंड दिस इज माई एम यही अली अजीम सर्विस का एम है कि हमारे पाकिस्तान के हर घर में अच्छी बात पहुंचे और uh, जब आप जाओ किसी कंसल्टेंट एजेंट से काम करवाने तो आपको सब बताओ कि वो क्या कर रहा है और आप uh, को एक्सप्लोर तो नहीं कर रहा आपके साथ अच्छा डील कर रहा है दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट टू कीप इन योर माइंड अली अजीम एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड शेयरिंग द चैनल